माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता है, पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है। कांग्रेस की स्थिति मैं नॉर्मल नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने यहां भाषण किए थे कि 370 हटने के बाद रक्तपात हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, सालों सालों तक कर्फ्यू नहीं उठा पाएंगे। कुछ नहीं हुआ माननीय, एक भी गोली नहीं चली, एक भी जगह पे गोली से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। मैं बताता हूं, किशन जी ने इतनी सारी चीजें बताई, परीक्षा के अंदर 99.5% उपस्थिति। अरे आप बैठिए, सुनिए, आप प्लीज जवाब देने दीजिए अध्यक्ष जी, ये ठीक नहीं है। माननीय सदस्य प्लीज, ये ठीक नहीं है अध्यक्ष जी। माननीय उन्होंने कहा, इन्होंने एक नॉर्मल स्थिति की बहुत अच्छी व्याख्या जो कांग्रेस पार्टी की है बताई, कि अधीर रंजन जी की बताई, अधीर रंजन जी की बताई कि पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नॉर्मल स्थिति मानी जाएगी। चलिए भैया, समाज में सारे लोगों की स्वास्थ्य की चिंता अच्छे से हो रही है, वो नॉर्मल परिस्थिति नहीं है। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो नॉर्मल परिस्थिति नहीं मानते हैं आप। कोर्ट के अंदर इनको बिठा दीजिए, अब ये पद्धति नहीं है सदन में बात करने की। मानेश्वर प्लीज प्लीज, अगर आपको ही सवाल का जवाब देना है तो पूछते क्यों हो भाई? मैंने जो पूछता जवाब वही दे रहा हूँ, नॉर्मल स्थिति का ही भी जरा धैर्य रखिए। अधीर रंजन जी मानते हैं कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो नॉर्मल स्थिति नहीं है। 99.5% बच्चों ने एग्जाम दिया। प्लीज माननीय सदस्य, माननीय अगर इसी प्रकार से बात करना है तो आप या तो मुझे संरक्षण दीजिए या तो मैं जवाब दूंगी। आपका रिकॉर्ड मारा इनका रिकॉर्ड नहीं, ऐसे नहीं होगा माननीय। आपको इनको ये विपक्ष, ये कांग्रेस पार्टी के नेता है, इसके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज उनको नहीं मिलता है। मेरे जवाब के बीच में खड़े हो जाते हैं हर बार, ये पद्धति ठीक नहीं। आपने उनको बताना चाहिए माननीय। आप बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। मान्यवर, 99.5% बच्चों ने एग्जाम दिया है, वो उनको ठीक नहीं लगता है। सिर्फ श्रीनगर में 7 लाख से ज्यादा ओपीडी के पेशेंट आए, वो ठीक नहीं लगता है। सारे थानों में से कर्फ्यू हटा लिया, ये नॉर्मल नहीं लगता है। सारे थानों में से 144 हटा ली गई, वो नॉर्मल नहीं लगता है। पुलिस फायरिंग से एक भी गोली नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई, वो भी नॉर्मल नहीं लगता है। ट्रैफिक की आवाज आई ठीक ढंग से हो रही है, वो भी नॉर्मल नहीं लगता है। उनको लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी कब होगी, वही उनकी नॉर्मल सिंह की व्याख्या है। सामान्य परिस्थिति की व्याख्या अधीर रंजन जी की ये है कि पॉलिटिकल परिस्थिति कब शुरू होगी। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, आपका कोई नोटेट नहीं होगा, इनका कोई नहीं जा रहा। मान्यवर, मैं यहां पर जब सवाल का जवाब खड़ा होने के लिए खड़ा हुआ, तब मैं मानता था कि जम्मू कश्मीर की जनता की कोई चिंता करेगा। खैर, उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी की चिंता की, इसमें भी बताऊं, सारे पंचायत के चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार की पहली टर्म में 40,000 पंच सरपंच के चुनाव हमने समाप्त किए, जो आज तक नहीं किए गए, सालों सालों तक इनके शासन में नहीं हुए। इसके बाद में तालुका पंचायत की सीटों के, फिर माननीय सदस्य आप कांग्रेस के दल के नेता है, माननीय सदस्य आप थोड़ी प्रतिष्ठा बना के रखो, ऐसे क्या करते हो? एक मिनट, माननीय गृह मंत्री जी, एक मिनट, आप कांग्रेस संसदीय दल के सदन में नेता हैं, गरिमा बना के रखो। आपने प्रश्न पूछा, माननीय गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं। आप माननीय सर, नहीं, मैं कभी नहीं होता भाई, कभी नहीं होता अध्यक्ष जी की परमिशन। गृह मंत्री जी, आप मान्यवर, इसके बाद में ब्लॉक के चुनाव हुए, सारे के सारे तहसील पंचायत ब्लॉक के चुनाव शांति से हुए, लगभग 95% से ज्यादा वोटिंग हुई है, कहीं पर भी हिंसा नहीं। ये पॉलिटिकल नहीं है क्या?
ये भी पॉलिटिकल है। और जहां तक राजनीतिक नेताओं का जेल में रहने का सवाल है प्रतिबंधित आदेशों के तहत, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें किसी को भी एक दिन ज्यादा जेल में रखने की जरूरत नहीं है, ना इच्छा भी। जब वहां का प्रशासन निर्णय करेगा तब उनकी रिहाई हो जाएगी। और इसमें अरे सुनो, आप सुनो ना भाई, सुनो ना आप सुनो। अब इतना जोर जोर से बोल रहे हैं, अभी ये सब 5 महीने 6 महीने से जेल में है। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को कांग्रेस पार्टी ने साहब 11 साल तक जेल में रखा था, 11 साल तक रखा था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, मगर हम उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहते। जैसे ही प्रशासन उचित मानेगा उसको छोड़ देगा, हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। और ये आपका कल्चर है कि प्रशासन को यहां से फोन कर इंटरफेरेंस करना, हम नहीं करते हैं। जब प्रशासन जब कहेगा, उनको उचित परिस्थिति लगी तब होगा। और मेरा सभी सदस्यों से इतना कहना है कि ये कुछ नेता जो जेल में हैं उनकी चिंता सबने करनी चाहिए, वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, मगर ज्यादा चिंता घाटी के जनता की कर अगर आप सवाल पूछते तो घाटी की जनता को लगता कि कांग्रेस पार्टी हमारी भी चिंता कर रही है, सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी की चिंता नहीं कर।